ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। फैमिली में सभी भी बहुत अच्छे पोस्ट पोजीशन पे हैं, सबके पास मोबाइल है, उसमें कम्युनिकेशन गैप पड़ रहा है, उसको कहते हैं नॉन वॉइस कम्युनिकेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कैसा ये सब बढ़ता जा रहा है आज के जमाने में। एक घर में 5 सदस्य थे, उनमें एक बुजुर्ग व्यक्ति था और उसको एक बेटा था, बहू था और दोनों को 2 बच्चे थे, सब मिलकर के 5 सदस्य थे। उनमें से सभी के पास टाइम नहीं है, आपस में बात करने के लिए टाइम नहीं है, संडे हुआ तो भी कोई आसपास कोई बात नहीं करता है, भोजन में भी कोई भी जॉइंटली बैठ करके खाते नहीं पीते नहीं। सबको लाखों रुपया आता है। और कम्युनिकेशन कैसे होता है मालूम? जस्ट सेंडिंग SMS, आई एम गोइंग आउटसाइड, प्लीज लॉक द डोर, आई हैड माई डिनर, यू हैव प्लीज, उतना ही। वो पूरा घर में सभी अपने अपने रूम में अटक जाते हैं और मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाते। इनसे करते 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 उसका जिंदगी क्या हो गया आपको बताता हूं। उसी करके 5 लोग जो रहते थे उनमें 4 जने जोड़ता, बेटा, बहू, पोता, पोती, वो सबको भी हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ। क्या हुआ? हार्ट का बाईपास सर्जरी। और ये जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसको कुछ भी नहीं हुआ। उसका फैमिली डॉक्टर काउंसलिंग किया, क्या हो सकता है जो इसी फैमिली के 5 सदस्य होंगे, ये बुजुर्ग व्यक्ति इतना हेल्थी है और ये 4 जन को भी बाईपास सर्जरी हुआ। तो उसको आश्चर्य लगा डॉक्टर को, तो उसने वो केस स्टडी करने के लिए उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ इंटरव्यू किया और पूछा आपका दिनचर्या क्या है, आप रोज क्या काम करते हैं, बोलो। तो वो कहता है मेरा तो घर में बोलने के लिए 4 जने रहते हैं, साल में हम 5-10 बात नहीं करते, सब भी अपने अपने दुनिया में रहते हैं, मोबाइल के दुनिया में रहते हैं, आसपास वालों से वो रिश्ता नहीं कनेक्ट करते हैं, जो अनजान है, पहचान ही है, जो किसी के मुंह भी देखते एक दूसरे नहीं देखते हुए होते उनसे कनेक्ट नहीं। तो आपको तो हेल्थ अच्छा है ना? हाँ मेरा हेल्थ अच्छा है। तो आपका लाइफ स्टाइल क्या है पूछते? तो कहता है मैं रोज वॉकिंग करता हूँ, मेरे साथ एक कुत्ते को लेकर के, पालतू कुत्ते को लेकर के वॉकिंग जाता हूँ, जब मैं जाता हूँ ना मेरे साथ दिल के बातें, मन के बातें उस कुत्ते को बोलता रहता हूँ, वो कुत्ते को बोलता 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 मेरा दिल बहुत हल्का हो जाता है, मैं मन में कुछ भी होल्ड नहीं करता हूँ, मेरे लिए कुछ भी रात सोते समय क्या नहीं होता है, पकड़ने का संस्कार, पकड़ने का कोई भी बात नहीं होता है, इसलिए मेरा दिल कैसा है, हेल्दी है। और ये जने जो घर में रहता है वो कोई माता पिता बच्चे बैठ करके कभी कुछ भी शेयर नहीं करते, कुछ भी दिल को करके बात नहीं करते, कोई भी आपने बात को सब मिल करके सॉल्व करने के लिए एक कोऑपरेशन नहीं होता है, वो अंदर ही अंदर रख करके वो एक बीमारी को पैदा कर दिया। और साथ साथ क्या कर दिया, अंदर जो हर एक के लिए एक गुण चाहिए वो है खुशी। देखो हर इंसान के पास कितने भी खाने पान कोई भी प्रकार का लक्ष्य हो सकता है, अगर उसके पास खुशी नहीं तो उसको जीवन कहना भी लायक नहीं होता है। इसलिए कहते हैं खुशी जैसा खुराक ही, सबसे बड़ा से बड़ा खुराक कहो, सबसे
बड़ा से बड़ा टॉनिक कहो, सबसे बड़े से बड़ा आपको एक तरह की एनर्जी कहो, वो है खुशी, हैप्पीनेस।